वेलकम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपने पास हिमानी ब्रांड की प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं, क्योंकि रिसेंटली मैंने ये न्यूज़ सुनी थी कि हिमानी को फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। देन आई डिसाइडेड क्यों ना आप लोगों के साथ भी हिमानी प्रोडक्ट्स का रिव्यू किया जाए, खासकर उन प्रोडक्ट्स का जो मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं या यूज़ करने के लिए मंगवाए हैं। सो आज हम लोग रिव्यू करेंगे हिमानी का एंटी हेयर लॉस शैम्पू, उसके बाद है नीम एक्नी फेस वॉश, वाइटनिंग क्रीम, हेयर ऑयल, बियर्ड ऑयल, रोज वाटर एंड रोज सोप। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमानी एंटी हेयर लॉस शैम्पू, जो मैंने 3 वीक्स पहले बाय किया था और मैंने इसको 3 वीक्स तक अप्लाई किया है। इसकी बहुत क्यूट सी प्लास्टिक की बॉटल है। सो गाइस, हिमानी क्लेम करता है कि ये शैम्पू आपके बालों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेयर लॉस जिनको प्रॉब्लम होती है उसको कंट्रोल करता है। इसमें विटामिंस हैं जो आपके हेयर्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। शैम्पू का कलर ऑरेंज है, लेकिन ये ज़्यादा फोम नहीं बनाता। इसकी सिर्फ एक ही नेगेटिव बात है कि अगर आपको इससे शैम्पू करना है तो आपको इसकी क्वांटिटी ज़्यादा लेनी होगी। मार्केट में इसकी प्राइस 280 तक है। मैं इसको रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपको हेयर फॉल इशू है तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें, ये काफ़ी हेल्पफुल है। इसके साथ साथ मैंने हेयर ऑयल भी यूज़ किए हैं हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसकी छोटी वाली बॉटल जो मेरे पास है 120 ml की ज़रूर ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिमानी के हर्बल रोज सोप की, जिसकी पैकेजिंग बहुत खूबसूरत है और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल प्योर फ्रेश रोजेस की तरह। कलर इसका रेड है, शेप में ओवल है और ऊपर बहुत प्यारा सा रोज बना हुआ है। इसकी प्राइस मार्केट में 170 है, लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसमें SLS मौजूद है जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए इरिटेशन का बायस बन सकता है, लेकिन नॉर्मल और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वाले लोग इसको ज़रूर यूज़ करें, ये बहुत कमाल की चीज़ है। अब हम बात करते हैं हिमानी के रोज़ वाटर की, जिसका मैंने रिव्यू पहले भी किया है इंस्टाग्राम पे। गाइस, ये अमेजिंग है। इस रोज़ वाटर की बात ही अलग है। इसका कैप शीशे का है, लेकिन इसकी बॉटल प्लास्टिक की है। बहुत खूबसूरत पैकेजिंग है और जैसे ही आप इसको स्प्रे करते हैं बिल्कुल फ्रेश रोजेस की फ्रेग्रेंस आपको फील होती है। ये हर स्किन टाइप के लिए रिकमेंडेड है। अब हम बात करते हैं हिमानी के एक्नी फेस वॉश की। हिमानी क्लेम करता है कि ये फेस वॉश आपकी एक्नी को रिमूव करेगा, ये आपकी इरिटेशन को रिड्यूस करेगा, ये आपके स्किन से पिंपल्स को रिमूव करेगा। हिमानी क्लेम करता है कि ये फॉर ऑल स्किन टाइप है, लेकिन इसमें भी SLS मौजूद है, जो मैंने आपको पहले बताया है कि ये सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं होता। इससे आपकी इरिटेशन में इजाफा होगा। सो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इसको यूज़ ना करें। आप अपनी स्किन के लिए वो फेस वॉश यूज़ करें जिसमें सैलिसिलिक एसिड होता है। इसका कलर भी इसके शैम्पू की तरह ऑरेंज है और इसकी मार्केट प्राइस 400 है। अब हम बात करते हैं हिमानी वाइटनिंग ब्यूटी क्रीम की, जिसकी पैकेजिंग बहुत प्यारी है। इसकी पिंक कलर की कैप है और इसके साथ आपको एक सोप फ्री मिलेगा। हिमानी क्लेम करता है कि ब्यूटी क्रीम आपकी एक्ने को रिमूव करती है, आपके फेस से मार्क्स और स्कार्स को रिमूव करती है। मार्केट में इसकी प्राइस 400 तक की है। इसकी नेगेटिव बात यह है कि ये बहुत ज्यादा ग्रीसी लुक देती है। अगर आप इसको दिन में अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ज्यादा ऑयली लुक देगी। सो अगर आपको अप्लाई करना है तो रात में अप्लाई करें, बहुत लाइट सा, क्योंकि वाकई में ये एक्ने को रिड्यूस करने में हेल्पफुल है। अब हम बात करेंगे हिमानी हेयर ऑयल की, जो कॉम्बिनेशन है ऑलिव प्लस एलमंड ऑयल का। हिमानी क्लेम करता है कि ये ऑयल आपकी डैंड्रफ को रिड्यूस कर देगा और जिनको प्रॉब्लम है हेयर फॉल की, ये हेयर फॉल को भी रिड्यूस करेगा। मैं इसको 3 वीक्स से यूज कर रही हूँ, मुझे ये बहुत सूट किया है। मैं रिकमेंड करूंगी जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है और हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आप इस ऑलिव प्लस एलमंड ऑयल को जरूर यूज करें। इसकी मार्केट प्राइस 200 तक की है। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है। अब हम बात करेंगे हिमानी बियर्ड नरिशिंग ऑयल की, जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। इसके इंग्रेडिएंट में टी ट्री ऑयल और मिंट ऑयल मौजूद है। हिमानी क्लेम करता है कि ये आपके फेस की इचिंग को रिड्यूस करता है और आपको हेल्दी एंड स्मूथ लुक देता है। ये ऑयल पैराबिन फ्री है। इसकी फुल पैकेजिंग प्लास्टिक की है और इसके अंदर बॉटल भी प्लास्टिक की है। ये मार्केट में आपको 380 से 400 तक का मिल जाएगा।
सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।